गाइज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एटू सर्स जिनके चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर है वो अपनी वीडियो एडिटिंग किस प्रकार करती है, वो अपना नो कॉपीराइट वीडियो एनिमेशन कहाँ से लाता है, यानी कि उनके चैनल पर देखते हैं कि हर वीडियो में तरह तरह की एनिमेशन यानी कि बैकग्राउंड चेंज होता रहता है, तरह तरह के एनिमेशन वीडियो चलता रहता है, तो वह किस प्रकार लगाते हैं, वह किस प्रकार वीडियो एडिटिंग करता है, ये सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप को क्या अपनानी है कि सबसे पहले आपको ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो को रिकॉर्ड करना है, यानी कि आप जो देख रहे हो पीछे में इस तरह के बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन, ऐसी पीछे में पर्दा लगानी है, तभी गाइस आप तरह तरह के वीडियो एनिमेशन पीछे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, यानी कि आप ग्रीन स्क्रीन को चेंज करेंगे और वीडियो को लगाएंगे, यानी किस प्रकार लगाएंगे आपको मैं बताऊंगा काइनमास्टर में। तो गाइस फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करने है, और सेकेंड स्टेप क्या है कि इस तरह के वीडियो की एडिटिंग करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर के जरिए आप बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो को एडिटिंग कर देंगे, जैसे कि एटू सर करते हैं, उसी प्रकार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलता हूं मैं अब स्क्रीन पे, अरे मैं बताता हूं काइनमास्टर में किस प्रकार आप अपना वीडियो को चेंज करेंगे ग्रीन स्क्रीन और किस प्रकार वीडियो को एनिमेशन लगाएंगे। तो गाइस मैं फाइनली आ गया स्क्रीन डिस्प्ले पर, एंड गाइस इस तरह का आपको वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेनी है आपको ग्रीन स्क्रीन पे और काइनमास्टर में। तो मैं यहाँ पर काइनमास्टर को ओपन करता हूँ, और काइनमास्टर को ओपन करने में आपको क्या आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से क्या करना है कि आप प्लस आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से 16:9 का रेशियो ले लेना है अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है कि पहले आप इस वीडियोज को देख लीजिए। मोबाइल का जो कवर होता है वो धीरे धीरे पीला क्यों पड़ने लगता है, तो गाइस सबसे पहले इसका कारण क्या है कि यह मोबाइल का जो कवर होता है वो गाइस मैं इस वीडियो को क्या करेंगे कि मैं एनिमेशन में लगाएंगे। तो गाइस आपने इस वीडियो को देख लिया तो क्या कहा इसमें क्या है कि मैं कुछ मोबाइल के ऊपर बता रहा हूँ, यानी कि मोबाइल का एनिमेशन लगाना था। सिंपल से मैं जाऊँगा गूगल पे और गूगल पर जाकर सर्च करूँगा नो कॉपीराइट मोबाइल एनिमेशन, या यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन मोबाइल एनिमेशन का, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस मैं पहले से यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं, तो गाइस मैं उस मोबाइल का एनिमेशन को यहाँ पर ले चुके हैं वीडियो में काइनमास्टर में लगा चुके हैं, और यहाँ मेरा वीडियो छोटा दिख रहा था। सिंपल से क्या करेंगे मैं इसमें वीडियो लॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से थ्री पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक करेंगे, और मैं इसको फुल कर क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना करता, इसीलिए मैं इसको फुल कर लेता हूँ, और फुल करके मैं अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा और यहाँ पर फुल लगा दूँगा। तो मैं फुल पर यहाँ वीडियो लग चुका है दोस्तों, यहाँ एनिमेशन में मेरा वीडियो चल रहा है, और इसमें क्या करेंगे कि जिस मैंने वीडियो को ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को लगा देंगे। तो उस वीडियो को लगाने के लिए क्या करेंगे सिंपल सी कि आप जो देख रहे हो लेयर, सिंपल से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से चलना मीडिया पे, और जिस वीडियो को आप रिकॉर्ड किए थे उस वीडियो को यहाँ से लेना है। कहीं मैंने उस वीडियो के यहाँ पर ले लिए, जब यहाँ पर ले लेंगे सिंपल से करके मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर दूँगा, और जब बड़ा कर दूँगा क्या करेंगे मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर दूँगा, और यहाँ पर बड़ा हो चुका है। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर गाइस इसको ग्रीन स्क्रीन को चेंज करने के लिए सिंपल से क्रोमा की का यूज़ करना है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस तरह इतना सारे साइड में आपको फीचर्स मिल जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना है, लिखा हुआ क्रोमा की, सिंपल से आपको क्रोमा की पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करने गए यहाँ पर आपका कुछ बहुत सारा हट जाएगा यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन, और फिर आपको क्या करना है कि डिटेल कर्सिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर जो बाकी है तो आपको इसको यूज करने से क्या होगा कि आपका जो बाकी का पार्ट है यानी कि ग्रीन स्क्रीन है वो पीछे का 100% चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है कि इस चीन वाले ऑप्शन का क्या करना है कि आपको सीधा कर देना है। कहीं मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया, जैसे सीधा कर देखते हैं यहाँ पूरा तरह ग्रीन स्क्रीन हट रहा है। सो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल का जो कवर होता है वो धीरे धीरे पीला क्यों पड़ने लगता है। तो गाइस सबसे पहले इसका कारण क्या है कि यह मोबाइल का जो कवर होता है वो सिलिकॉन पॉलीमर का बना होता है, और सिलिकॉन पॉलीमर एक ऐसी पदार्थ है। देखा कि पीछे में क्या हो रहा है कि मेरा एनिमेशन चल रहा है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं इस पिक्चर को यहाँ पर छोट कर दूंगा, वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको मैं छोट कर दूंगा, और छोट करने के बाद क्या करेंगे कि ये टू सर की तरह क्या करेंगे हम किस साइड में इसे लगा देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सी टू सर की तरह यहाँ पर साइड में लगा दिए, और यहाँ पर साइड पर लगाने के बाद क्या करेंगे कि आप यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। तो भाई सबसे पहले इसका कारण क्या है कि मोबाइल, तो भाई आप इस प्रकार वीडियो को इसकी ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड करके और
और ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की मदद से चेंज करके और पीछे में वीडियो ऐसे लगाकर आप वीडियो को रिकॉर्ड करके और बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है कि आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर देना है। तो सिंपल सी वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कैचर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रिम टू राइट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ट्रिम टू राइट पर क्लिक करना है, सिंपल आपको उसी में अपनाना है और इस प्रकार इसको ट्रिम टू राइट पर क्लिक करके इसको आपको कट कर देनी है। बहुत शांत वीडियो बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की सब्सक्राइब कीजिए।